पाके बिहारी की जय। भैया के पास जगह था, हमें एक रिक्शे वाली मिल गई है। रिक्शे वाली द हाउस। हेलो नमस्ते, आज के व्लॉग में ना हम लोग ये देखने वाले हैं कि वृंदावन लड़कियों के लिए कितना ज्यादा सेफ है या नहीं। रीजन क्योंकि ना मैं वृंदावन बहुत जाती रहती हूँ, बट होली के टाइम पे आई वॉज सो एक्साइटेड, इतना ज्यादा मैं चाह रही थी कि यार मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ, बट लिटरली मेरे कुछ दोस्तों ने मना कर दिया कि नहीं यार तू मत जा, लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता। तो मैंने अपनी कम्युनिटी से भी पूछा तो आधे लोगों के मिक्स रिव्यूज थे, एंड फाइनली मैंने बाकी बिहारी पे छोड़ दिया कि अगर आपको बुलाना है तो प्लीज बुला लेना, मेरा बहुत मन है। एंड आज ऑल ऑफ अ सडन हम मैं और ऋषभ बात कर रहे थे तो हमारा इसने बोला तेरा इतना मन है तो तू चल। एक डेढ़ घंटे में ये प्लान बना, और उसके बाद हमने पूछा शिवा से जो कि ये मेरे डांस टीचर हैं और हमारे दोस्त भी हैं। इन्होंने एंड टाइम पे मुझे नहीं पता, हमें चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो रही है, मैं पूरा टेंशन में जा रहा हूँ। हमने बात तो काटा नहीं क्योंकि प्रियंका हमें काट देती है। अच्छा ये प्लान कैसे बना, कितना सडन बना, आप क्या कहते हो? ऐसे बना प्रियंका की कॉलेज, हेलो हेलो चल रहे हैं, हमने कहा चल रहे हैं, मैंने सोचा कोई पार्टी के लिए जा रहे होंगे ना, हम वृंदावन चल रहे हैं। वृंदावन चल रहे हैं, हाँ पैक करो पैक करो। मैंने कहा मैं पूछ रहे तो, नहीं नहीं मैंने तुम्हारा डन समझा, पैक करो एक घंटे में निकल रहे हैं। मैंने कहा मैं दीक्षा से पूछता, नहीं नहीं पैक करो डन है। मैंने कहा दीक्षा, मैंने लोगों को ऑन द स्पॉट करवाया, मैं ना अभी लाइट थोड़ा कम है तो आप लोगों को वहाँ पहुँच के इंट्रोडक्शन कराऊंगी अच्छे से। तो सफर की शुरुआत करते हैं बांके बिहारी का नाम लेके। बोलो बांके बिहारी की जय। चेहरे की खुशी, मन का सुकून अलग हो जाता है। एंड हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हमारे प्रॉपर्टी में, वो आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ। मैं कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। रुके हैं कृष्णा वैली में, एंड 1008 इज आवर रूम नंबर, एंड लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल, नाइस नो, प्यारा है काफी। बाहर भाई पूल सेटअप सब कुछ हो रखा है। आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी, आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी? जितने सवाल पूछे जाए उतना ही जवाब देंगे आप, ज्यादा बोलेंगे तो हम क्लिप काट देंगे आपकी। कल के लिए कैसे एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। किस चीज के लिए एक्साइटेड हो आप कल के? ब्रश कराने वाला हूँ। गॉड, जैसे कि आपको पता है किशन जी भी कल आएंगे यहाँ पे होली खेलने। अच्छा चला है क्योंकि उनकी लग रही है। हाय हाय हाय। सो अभी का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं रूम को, मतलब सामान वामान रखने के बाद, वी आर हेडिंग टुवर्ड मार्केट बिकॉज मेरा फास्ट है और अभी 11:30 बज रहे हैं। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं खाया, चाय पिया सुबह से। हाय गुरु नमः शिवाय, राधे राधे। हम लोग आए थे खाना खाने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा यार ये प्रेमानंद जी जो महाराज हैं उनके लिए दर्शन के लिए ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम लोग तैयार शेयर होके सुंदर सुंदर जा रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर, हम लोग होली खेलने। और ये हमने कुछ टायर लिया, और ये हमारी प्रॉपर्टी खूबसूरत है ना, और मैं कैसा लग रहा हूँ, लग रही हूँ ब्रिजवासी। और ये पता नहीं इनकी क्या ही स्टार्ट हो गई है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द होली। मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे मेकअप तो कर रही है, रंग तो लग नहीं है, बट ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के मंदिर जा रहे हो, पार्टी जाते हो तो सच के जाते हो, राइट? तो जब भगवान के मंदिर जाते हो, भगवान से मिलने जाते हो, तो भी आपको तैयार होना चाहिए, ये मेरा साइकोलॉजी है। वाओ, यहाँ पे ना पार्टी होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। वी आर सेइंग इन कृष्णा वैली जो कि मैंने आपको दिखाया था। अभी सुबह के बज रहे हैं 8, तो अभी थोड़ा सीन शांत है, उसके बाद होने वाला है हंगामा। नूरानी चेहरा दोनों का, क्योंकि उस वक्त रात हो रही थी कल, तो हम लोग दिखा नहीं पाए थे ना अच्छे से, और हमने थोड़ी सी होली की शुभारंभ कर दी है। क्यों हाँ हो जाएगा यार, इन्हें लग रहा है कि ये जो जैसे ऐसे जा रहे हैं ना, ये ऐसे ही वापस आ पाएंगे। तो मैं लास्ट टाइम आई थी, ऐसा नहीं होता आपको, आप वहाँ पे लोग कहेंगे अरे आप वृंदावन में आए हो, आप ऐसे कैसे साफ रह सकते, होली है और प्यास लगाएंगे। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रहा था, कोई ज्यादा बदतमीजी नहीं थी। इस बार की हाई बहुत ज्यादा है, इस बार रोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आई डोंट नो, लेट्स गो। भैया के पास जगह तो नहीं, हमें एक रिक्शे वाली मिल गई है। रिक्शे वाली द हाउस। अच्छा चला रही हो तुम, एक हाथ से रिक्शा चला रही हो? मैं तो एक भी हाथ से नहीं चला रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेक का मिली मार रहे हैं, क्लच निकाल दो मिली।
लकी हो, लकी बोले तो किस्मत वाले। नहीं, क्यों भाई? अबे लकी मैं बैठी हूँ इसलिए नहीं, आप वृंदावन में जन्म लिए उसलिए। अरे यार तो वृंदावन में जन्म लेना, वृंदावन में बात करना, वृंदावन में घर मकान दुकान बनाना, ये कोई लज्जित वाली बात नहीं है। क्यों? यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, सुनोगे यही तो समझ। अच्छा सुनाओ सुनाओ। ये जो वृंदावन है ना, यहाँ का सबसे लज्जित बात ये है, यहाँ का कोई जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सब लोग कहीं ना कहीं से आए हुए लोग हैं। यहाँ का कोई नहीं, न दैत्य न दानव न देव न मानव न प्रेत आत्मा न ऋषि मुनि, परंतु यहाँ पर आना सबके लिए जरूरी है। अगर नहीं आएंगे तो कहलाने लायक बन नहीं सकते। क्या बात है? ना ही तो देव बन सकते हैं, यानी कि वो देवी देवताएं भगवान कहलाने लायक नहीं बन सकते जब तक यहाँ वृंदावन में नहीं आएंगे। वो मानव मानव नहीं बन सकता है जो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए सबको यहाँ आना जरूरी है। ये वृंदावन का महत्व है। अब हमारे ब्रजवासी को इसका महत्व नहीं है, एक ब्रजवासी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, तभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। इन सब लोगों को ये सब बनना पसंद नहीं है, ये राती कुत्ता बिल्ली मच्छर मक्खी सांप बिच्छू खाकर बनने से डरते हैं। 84 लाख योनियों को भोगने से बचने का मार्ग ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन इनको ये मार्ग मिलेगा कहाँ? उस स्थान का नाम है ब्रज चौरासी कोस, इसीलिए चारों धामों से निराला है। इसकी जिम्मेदारी चार कंधों पर है। बंसी बरसो बट नहीं, राधे राधे नाम, वृंदावन को बन नहीं, नंदराम जसो का। जब तक जीवित रहोगे यही सोचते रहोगे अगला चक्कर कब लगेगा। बिल्कुल, जो वहाँ एक बार यहाँ पर आया था ना, जब जहाँ तक कि वो छोटा सा बालक क्यों ना हो, वो जब तक उसके बाल सफेद न हो जाए वह कई चक्कर कर चुका होता है। ये बात तो सही है, मैं कितने बड़े महाराज हैं ये, ये इसका चला रहे हैं, बैग टांग रखा है नोट से भरने के लिए। क्या करोगे इतने पैसे कमाकर? एक इंसान को इंसान बनने में ही अधिक समय लग जाता है। मैं तो मेरे साथ बहुत बढ़िया पॉडकास्ट कर सकती हूँ, मैं अगली बार बनाऊंगी, इनके नंबर लेके जाऊंगी, आराम से बैठ के ना 2 घंटे बातें करेंगे, आपको सुनाएंगे, बढ़िया मजा आ गया। मैंने नोटिस किया यहाँ पे लड़के तो दोबारा वापस आ रहे हैं, उनके कोई रंग नहीं लगा हुआ, लड़कियाँ भीगी भीगी आ रही है, भीगी और रंग लगा हुआ है, क्या हो रहा है इस ब्लॉग में पता चल गया। बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। पहचान लिया हमने मुझे, इतनी भीड़ में, इतनी गलियों में, इतने सारे लोगों के बीच में। आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ, मैंने आपको यहाँ पहचान लिया है। वाह, कहाँ से हो आप? इंदौर से हो? क्या बात है, खाने की शहर। वृंदावन आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी तक का टू एक्सपीरियंस है कि कोई छेड़ा छाड़ी नहीं हुई है, थोड़ी सी बहस हो गई थी मेरी स्टाफ वाले लोगों के साथ, वो बहुत बदतमीजी से लोगों से ट्रीट कर रहे थे, बट अभी तक वृंदावन में एवरीथिंग इज सेफ। हालत थोड़ी बोली हो रही है क्योंकि होली है, इग्नोर। अभी ना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आराम, पानी की बात कर रहे थे आंटी के अंदर से आई कि आपको पानी पीने तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, चलो राधे राधे। सबसे मैंने सुना है और मुझे बताया था मम्मी पापा ने कि सबसे बड़ा पुण्य होता है किसी को पानी पिलाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है वृंदावन के लोग, ये है वृंदावन का प्यार। नहीं तो ना, अच्छा अच्छा कहाँ से है? तो बताओ कहाँ से हूँ मैं। आप एमपी से? कहाँ से? वीडियोस देखते हैं मेरी, ठीक लगती है, मैं रंग में भी पहचान में आ रही हूँ। वो मैं निकल गया था वहाँ पर, मैं लोड कराया मैंने की एक मिनट। ये मैडम मैंने देखी है गली, तो वही है जो मैं देख रहा हूँ। राधे 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 राधे, मैं कह रही हूँ दही हूँ मैं, क्योंकि मेरा दही फोटो खींचने लग गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। चलो चलो, टैलेंट शो योर टैलेंट।
प्रॉपर्टी में स्टेडियम हो रही है रशिया भाई, इतनी थकान हो गई थी ना, गुलाल लग गया मुझे, सारी नींद की स्लीप बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करके चेंज किया, नए दिन फ्रेश सामने है। ये है होस्टर और हम है गेस्ट, हम इन्हें बता रहे हैं होस्ट कैसे करना है क्योंकि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो फिर वहां से पॉडकास्ट करने के बाद हम लोग रवाना हो गए वापस दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें घर आना था होली से पहले। और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और लकीली बाकी बिहारी की कृपा से मैं जब गई थी उस दिन बहुत भीड़ कम थी और हमने होली अच्छे से खेली, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। एंड मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सब चीजें दिखा सकूं। तो व्लॉग करने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे व्लॉग करते रहे और आप लोगों को दिखाते रहे हमारे साथ जहां जहां जाते हैं वहां आपको घुमाते रहे, तो आपको करना पड़ेगा प्यार लाइक दबाने हैं बटन, खूब सारे लाइक दे दो, मतलब कम से कम 10,000 लाइक तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, है ना, इतनी भीड़ में इतना सब कुछ करना। बाय द वे एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो भी फैमिली जो भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यार लड़कियों को नहीं जाना चाहिए वृंदावन, दे आर राइट ऑन दैट प्लेस, बट आप थोड़ी चीजें ध्यान रखोगे, जैसे कि अगर आप बहुत सारी ऐसी तिथि होती है डेट्स होती है जहां पे बहुत भीड़ आने वाली है, आप वो डेट्स अवॉइड कर सकते हो। और आप ग्रुप में जाओ, गर्ल्स प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अकेले ना ही जाएं तो बेहतर है, आप लोग ग्रुप में जाएं, फैमिली के साथ जाएं, देन यू विल बी सेफ, जैसे कि मैं थी। और यार आधे आधे बाकी बिहारी सबकी रक्षा करें और सबको सद्बुद्धि दें। और दैट्स इट, हैप्पी होली टू एवरीवन एंड राधे राधे सबको, राधे राधे कमेंट में डाल देना, ठीक है।